भगवान ने माया हटाई, न वहां लक्ष्मी न मोहिनी। भगवान ने कहा काम विजेता नारद महाराज की जय हो। अब नारद जी को ज्ञान आया, चरण पकड़कर नारद जी बहुत रोए। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटे। मैं बस दुर्वचन किए साफ दिया। भगवान ने कहा नारद मुझको हजार गाली दे, मुझे दुख नहीं होता है, पर मुझे सबसे बड़ा दुख है तुमने भगवान भोलेनाथ की बात नहीं मानी। भोलेनाथ ने मना किया था ना नारायण के पास मत जाना, तुम जानते नहीं हो। शिवेच्छा अखिलम जातम कुर्वीतम निश्चिताम मति, इस संसार में मुझे नारायण की कोई इच्छा नहीं चलती है। शिव का अपराध करने वाला मेरा महाअपराधी है, मैं तो तुझे तभी माफ करूंगा जब भोलेनाथ तुमको माफ करेंगे। शिव की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया तुमने, बड़े अपराधी हो। अरे जनो, नारद महाराज घबरा गए। भगवान शंकर ने की बड़ी बड़ाई की है, न मे शिव समानोस्ति प्रिय स्वामी सुख प्रद शक्ति प्रदो ममे अस्ति स एव परमेश्वर। शंकर जी के समान मेरा कोई प्यारा नहीं है, जे ही पर कृपान कर ही पुरारी। विष्णु भक्त सुन ले, कृपान कर ही पुरारी। सोन पावे मुनि भक्ति हमारी, सोन पावे मुनि भक्ति हमारी। यही पर कृपा न करही पुरारी। मैं क्या करूं, का शंकर जी के धाम काशी जा और जा करके भजन कर, जब तक प्रसन्न न हो जाए शंकर मैं तुझे क्षमा नहीं कर सकता। कायेन मनसा वाचा ये शंकर मुपेति भो, स पंडित इति गेय स जीवन मुक्त उच्यते। उसे जीवन मुक्त और पंडित कहा जाता है जो शिव का गुण गाता है। तब क्या करें, नारद महाराज भगवान की आज्ञा लेकर काशी आए। जपहु जाय संग कर सतनामा। हमारे ग्रंथों में एक भक्त हुआ घंटा कर्ण, जो बद्रीनाथ गए हैं आप लोग, बद्रीनाथ की परिक्रमा में कोने में छोटा सा घंटा कर्ण का मंदिर है। परिक्रमा में जब परिक्रमा पूरी होती है उस कोना में मंदिर है घंटा कर्ण। भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त था, राक्षस था महान, वो अपने कान में 10,000 घंटी टांग के रखता था। घंटी मोटी मोटी घंटी बजाता रहता था, कहीं विष्णु का नाम सुनाई नहीं दे जाए, विष्णु भगवान का नाम कान में ना जाए। कभी कहीं जाता घंटी बजा रहता, शिव का सेवक था वो बहुत बड़ा, इतना बड़ा सेवक। एक दिन उसने महादेव से प्रकट होने को कहा, महादेव ने कहा मूर्ख 10,000 घंटियां बांध करके बजाते रहते हो कि नारायण का, जब तक नारायण नहीं आएंगे तो अपना सिर काट के भी देगा तो मैं तुझे दर्शन नहीं दूंगा, जा बद्रीनाथ जा। झक मारता बद्रीनाथ आया, वहीं पर बैठकर घनघोर तप किया, तब हरिहर ने उसको दर्शन दिया। बोली हरिहर भगवान। कई वैष्णव लोग कहते हैं कि शिव के मंदिर में नहीं जाना, शिव की पूजा नहीं करना मूर्खानंद। रामानुजाचार्य वैष्णव के सबसे बड़े आचार्य हैं। रामानुजाचार्य ने पंचरात्र में लिखा है, जिस गांव में शिव मंदिर नहीं हो वैष्णव को उस गांव में नहीं रहना चाहिए, उसका किया हुआ पूरा पुण्य खत्म हो जाता है। जिस गांव में शिव मंदिर न हो वैष्णव को वहां निवास नहीं करना चाहिए। नारद जी ने जाकर जब हूं जाय शंकर सतनामा हाथ जोड़ लिए,
जय शंभो विभो रुद्र स्वयं भो जय शंकर जय ईश्वर जय ईशान जय सर्वज्ञ कामद नीलकंठ जय श्रीश श्रीकंठ दुर्जटी हरे अष्टमूर्ते नंदमूर्ते महामूर्ति तथा नगे जय त्वं त्रिदधाद त्रिलोकेश त्रिलोचन जय त्वं त्रिजपाधार त्रिमार्गम त्रिविभ्युर्जितम् उदारे विदिताकारे जय त्वं जयमात्मनः। भगवान शंकर का उन्होंने मंत्र जाप किया है। जय शंभो जय शिव शंभो उमाकांत हर जय शंभो जय शंभो जय जय शंभो उमाकांत हर जय शंभो। कन्हैया को प्राप्त करने की लायकात चाहिए तो शिव पूजन, राम को पाने की लायकात चाहिए शिव पूजन। हर 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 शंभो भव 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 शंभो हर 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 शंभो भव 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 शंभो। मृत्युंजय वृषभध्वज शूलिन गंगाधर मृण मदनारे हर शिव शंकर गौरीश वंदे गंगाधर वीशम रुद्रम पशुपति मीशानम कलय काशी पुरीवासम महादेव महादेव महादेवा पार्वती रमणा सदा शिवा महादेव महादेव महादेवा पार्वती रमणा सदा शिवा। शंकर जी का नाम लेते ही सारे भूत प्रेत देवता वंदन करने लगते हैं। काशी के 1 करोड़ शिवलिंगों का दर्शन किया, जा जा करके हर ज्योतिर्लिंग का उन्होंने पूजा किया। काशी के अंदर भगवान के दिव्य रूपों का दर्शन करते हुए, दिव्य धामों का दर्शन करते हुए, दिव्य नामों का दर्शन करते हुए काशी वास किया। जब भगवान शिव ने क्षमा करी तब जाकर नारायण ने अपनी भक्ति प्रदान की। राम जी का अच्छा ध्यान करना चाहते हो तो शंकर भगवान बैठे हैं, उनके हृदय में राम जी है, ध्यान करो जल्दी लग जाएगा। और शिव का जल्दी ध्यान करना है तो राम भगवान बैठे हैं, उनके हृदय में शिव जी की छड़ी छबीली छड़ा बैठी हुई है। बोले शंकर भगवान की, क्योंकि एक दूसरे के हृदय हैं ये सब।